आज के पोल वेरिफिकेशन का क्वेश्चन सबसे पहले तो टाइम एंड वर्क का है, जो कि मैथ्स में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उसमें भी एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन होती है टाइम इंटरवल, समय अंतराल। उसकी उसके प्रश्नों में अक्सर कंफ्यूजन लोगों को रहता है। टाइम एंड वर्क के अच्छे अच्छे प्रश्नों को कर लेने के बाद भी हम लोग टाइम इंटरवल के क्वेश्चंस को नहीं अच्छे से कवर कर पाते हैं। मैंने अपने पोल में जो टेलीग्राम पे कराया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें इस प्रश्न को दिया था। बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर भी दिया, लेकिन जब हम एनालिसिस कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं तो उत्तर केवल 35% लोगों का सही है। फिर भी हम मानते हैं कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है, हालांकि प्रश्न उस कंडीशन में भी छोटा है। अभी इस पर और भी लंबी और बड़े प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए यह प्रश्न पर्याप्त है, इसलिए मैंने इसको आज के वेरिफिकेशन में वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करने का सोचा। अब ध्यान से मेरी पूरी वर्किंग को, पूरे प्रोसेस को सीखिएगा, समझिएगा। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको प्रश्न ही समझ में आएगा। प्रश्न तो अगर आएगा ही आएगा, साथ साथ इसका पूरा अप्रोच और कॉन्सेप्ट भी आपको रियलाइज हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा, ए और बी अकेले एक कार्य को क्रमशः 7 दिन और 14 दिन में कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क की हर सिचुएशन में आपको पता है तीन चीजें मुख्य होती हैं, जिसको आप लोग अगर पॉइंट कर ले तो बहुत अच्छा है। क्या क्या होता है? सबसे पहले एक वर्क होता है, आपको क्लियर है कि कार्य निर्धारित किया जाता है, साइन किया जाता है। कार्य को करने वाले पर्संस में उनकी अपनी इफिशियंसी होती है, कार्य की क्षमता जिसको आप लोग कह सकते हैं, करने की क्षमता जिसको आप रेट ऑफ डूइंग वर्क कह सकते हैं, और साथ साथ कार्य को समाप्त करने में लगा हुआ समय होता है। जैसे कि हम सबसे पहले कोई भी वर्क क्रिएट करें, बनाए, आपको मैं कोई कार्य दूं क्वेश्चन करने से रिलेटेड, आप घर से कोई काम पाए, किसी भी तरह का कार्य असाइन करना सबसे पहली चीज कार्य को फिक्स करना या क्रिएट करने जैसा होता है। आप काम बनाते हैं और काम हमेशा एक होता है अंटिल एंड अनलेस, जब तक इसको स्पेसिफाई ना किया जाए। आप एक साल के काम को करें, एक महीने के काम करो, एक दिन के काम को करें, एक घंटे के काम को करें, काम हमेशा एक होता है। हर कार्य को अलग अलग पर्सन अपनी अलग अलग एफिशिएंसी से करता है। हमारी एफिशिएंसी किसी काम में ज्यादा है तो हम उसे जल्दी कर लेंगे, आपकी एफिशिएंसी उसी काम में कम है, आप उसी काम को ज्यादा समय लेकर करेंगे। तो हमारी एफिशिएंसी डिसाइड करती है कि हमको कितना समय लगेगा उस कार्य को करने में। जो जितना ज्यादा किसी कार्य में कुशल है उतना ही कम समय लेता है, इसलिए इन दोनों के बीच एक परस्पर रिलेशन होता है। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं कि टाइम जो होता है, जिसे आप समय कहते हैं, इट्स 1/2 एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी जिसको आप क्षमता कह सकते हैं, क्षमता के साथ इसका व्युत्क्रम संबंध होता है, मतलब इनवर्सली रिलेशंस होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मुख्य बात यहां पर थी कि हम कार्य को जैसे अलग अलग दिनों में करते हैं, अगर आप इनको पढ़ें तो समझेंगे, ए जो है उस काम को 7 दिन में कर पाता था, जबकि बी उसी काम को 14 दिन में कर पाता था। अगर यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात की गई है, ए की 7 दिन में करने की, बी की 14 दिन में कार्य को कंप्लीट करने की, तो कंफर्म है कि ए यहाँ पर ज्यादा क्षमतावान है क्योंकि वह जल्दी कार्य पूर्ण करता है। बी यहाँ पर कम क्षमतावान है क्योंकि उसे कार्य को समाप्त करने में ज्यादा समय लगता है। अब पूरी बात को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ऐसे किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये, जबकि देखिए यहाँ पर पर्सन के नेम है, साथ साथ उनके द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगाए गए समय को मेंशन किया गया है। हम यहाँ से सबसे पहले एक टोटल वर्क फिक्स करते हैं। टोटल वर्क एक ऐसी संख्या बनाते हैं जो कि दोनों के समयों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, बेसिकली इसको हम एलसीएम भी कह सकते हैं। तो 7 और 14 के में कटने वाली पहली संख्या 14 ही है, 14 ही है, आप उसी को एलसीएम भी कह सकते हैं, इसी को टोटल वर्क भी कह सकते हैं। कंडीशन अब ऐसी बनती है कि ए किसी काम को, किसी नहीं, 14 कार्य को 7 दिन में करता है। मैं मान लो आपको कोई काम दूं, 14 है टोटल या 14 क्वेश्चंस है, आप कहते हो कि हम 7 दिन में करेंगे, तो मैं तो यही मान के चलूंगा ना कि प्रतिदिन आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अर्थात 2 कार्य करोगे। इसी प्रकार से बी अगर 14 कार्य को 14 दिन में ही पूर्ण करेगा तो वह 1 दिन में 1 कार्य करेगा। देखने से समझ में आ रहा है यह जो एफिशिएंसी है या जो क्षमता है इसकी ज्यादा है इसकी कम है। बट यहां पर कंडीशन अगर आप समझो, जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से अगर आप रिलेट करें तो आपको लगेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप समझिएगा। कह रहा है कि दोनों एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करते हैं ना, यहाँ पर पढ़िए, एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करते हैं, अर्थात पहले दिन, मतलब अंतराल पे करने का सेंस ही यही होता है कि अगर हम करें तो आप आराम करो, आप करो तो हम आराम करें, मतलब काम की शुरुआत हम लोग फिक्स कर लें कि कौन करेगा। मान लीजिए मैंने करना शुरू किया तो मैं अपनी क्षमता से 1 दिन कंप्लीटली काम करता हूं, उस दिन आप रेस्ट करो।
दूसरे दिन आप करो और अपनी पूरी क्षमता से, और मैं बैठ के रेस्ट करूं। इस तरह से इंटरवल पर काम डिसाइड और प्लान किया जाता है। आप समझते रहिएगा, यहां पर सब कुछ वैसे ही कहा गया है जैसे आप ऐसे सोचिए कि इस क्वेश्चन को पूरा ऐसे समझिए, ए उस काम को 7 दिन में कर पाता था, बी उसी काम को 14 दिन में कर पाता था। मैंने कहा टोटल वर्क हम यहाँ पर प्लान करते हैं 14। ये संख्या कैसे डिसाइड होती है? एलसीएम के थ्रू डिसाइड होती है। इसकी वर्क एफिशिएंसी 1 दिन में 2 काम करने की बनेगी, इसकी वर्क एफिशिएंसी 1 दिन में 1 काम करने की बनेगी। हम जो काम की प्लानिंग किए हैं उस काम को देखिए कैसे डिसाइड करेंगे। हम लोग आज से काम को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहां से काम को स्टार्ट किया गया, आज 0 डेज था, मैंने काम को प्रारंभ किया। 1 दिन बीता, ए उस दिन कार्य किया होगा, बी रेस्ट किया होगा, ए अगर काम किया होगा तो कितना काम किया होगा बोलो, 2 काम किया होगा। दूसरा दिन बीतेगा, बी उस दिन काम करेगा, ए रेस्ट करेगा और वह 1 काम करेगा। कुल मिला के अगर आप सोचो और फिक्स क्लियर करो तो यहां से यहां तक कुल 2 दिन का वक्त लगा, 2 दिन का वक्त लगा, और कार्य कितना कितना कंप्लीट हुआ, 3 हुआ, 3 वर्क, मतलब 2 दिन में 3 काम पूरा हुआ। अब इसी तरह से प्लानिंग आगे बढ़ेगी, तीसरा दिन आएगा, चौथा दिन आएगा, पांचवा दिन आएगा, और एक ऐसा समय आएगा जब आपका कार्य पूरी तरह से एंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यही कंडीशन होती है। अब आप ये मुझे बताइए सोच करके कि एक पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ 2 डेज, मतलब 2 दिनों का एक पेयर है, 3 वर्क समाप्त होता है, आपको करने के लिए कितना वर्क है, 14 काम है। हम एक पेयर में, अब हम पेयर मानेंगे पेयर को, 2 दिनों का एक हम कंप्लीट पेयर मानते हैं जिसमें दोनों अपने हिसाब से काम किए हैं। डायरेक्ट भी आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे, अगले दिन फिर ए आएगा, देखिए 2 काम करेगा, फिर बी आएगा 1 काम करेगा, फिर ए आएगा 2 काम करेगा, लेकिन इस तरह से बड़े नंबर आप नहीं प्लान कर पाओगे। आपको बड़े नंबर प्लान करने के लिए जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं उसी से हिसाब से करिए। 2 दिन का पेयर है, 3 काम समाप्त होता है, आप इसको 3 से भाग करो, 3 से भाग करके देखो कितना बार जा रहा है, 4 बार जाएगा, तो 3 चौके 12, और 2 हमारा कार्य शेष बचेगा, 2 कार्य शेष बचेगा, मतलब आप ध्यान से देखिएगा 4 बार में 12 कार्य समाप्त होगा, 12 कार्य क्या हो जाएगा, डन, 4 3 12, मतलब 4 पेयर ऐसे ऐसे बने, 4 पेयर ऐसे ऐसे बने जैसे जैसे अभी बन रहा है, ऐसे ऐसे 4 पेयर बने, एक 2 दिन का, 2 दिन का, 2 दिन का, 2 दिन का, और 12 कार्य हमारा 14 में डन हो चुका है, 12 कार्य समाप्त हो चुका है। ये 4 पेयर जो बने हैं, जो 4 बार आया था, वो कितना दिन लेगा आप मुझे बताइए, 4 × 2 अर्थात 8 दिन, 8 दिन लगा, मतलब क्योंकि 4 पेयर लग रहा है और 1 पेयर में 2 दिन है, तो कुल 8 दिन लगा, और 8 दिन में 12 कार्य आपका डन हो चुका है। अभी 2 कार्य आपका बचा हुआ है, 2 शेष है, देखिए शेष है, तो जाहिर सी बात है जिस दिन चौथा पेयर कंप्लीट हुआ था, चौथा स्टेप कंप्लीट हुआ था, उस दिन बी ने एंड किया होगा और ए ने प्रारंभ 5वें दिन में, मतलब 5वें पेयर में फिर से ए लग गया होगा, और ए जब लगा होगा यहां पर तो ए के सामने चैलेंज रहा होगा 2 कार्य करने का, और ए की क्षमता ही 1 दिन में 2 काम करने की है, मतलब ए को 1 दिन लगेगा और वह इस 2 कार्य को समाप्त कर देगा, 2 कार्य को समाप्त कर देगा, बी का नंबर नहीं आएगा, तो तुरंत यहां पर देखो जो 8 दिन लगा था यहां पर आप देख पा रहे हैं उसमें इस 2 कार्य को पूर्ण करने के लिए 1 दिन और बढ़ जाएगा, मतलब इस प्रश्न का हल 9 दिन राइट सोल्यूशन बनकर आएगा आपको, जैसे मैंने वहां पर देखिए। अच्छा, ये सब कुछ जो है दी गई कंडीशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर ये बताना जरूरी होता है कि काम की शुरुआत किसने की, कभी हो सकता है बी ने ही कर दी हो तो बी के हिसाब से चलना होता, अगर बी ने किया होता तो प्रश्न का आंसर कुछ और आता, लेकिन जब कुछ नहीं दिया था तो हमें मानकर चल रहे थे कार्य ए ने प्रारंभ किया था। देखिए ए से शुरू करके लिखा भी है, ए से शुरू करके एकांतर दिनों में कार्य को करते हैं, मतलब काम की शुरुआत ए करता है, दूसरे नंबर पर बी आता है। कभी कभी 3 व्यक्ति होते हैं तो उसमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन पहले कर रहा है, कौन सेकेंड पे आ रहा है, कौन थर्ड पे आ रहा है, तो ये सब कुछ फिक्स करना जरूरी होता है। यहाँ पर आप सारी कंडीशन देख लिए थे कैसे था, आप इन दोनों को मिला दीजिए, 3 कार्य हुआ, 3 कार्य, 3 से इसको भाग करिए, 3 चौके 12, 4 पेयर बना कितने का, 2 दिन का, इसका मतलब कुल 8 दिन लगा, 8 दिन लगा और 4 3 12, 12 कार्य समाप्त हुआ। अब जो 2 कार्य हमारा शेष है उसको करने के लिए ए जो है 2 की क्षमता से केवल 1 दिन और लेगा, तो 8 दिन ए लगा था, 1 दिन और लगा,
आठ एक मिलाकर 9 दिन में टोटल कार्य आपका समाप्त होगा। जितने लोगों ने 35% लोगों ने 9 सही उत्तर दिया है, 9 उत्तर दिया है वो बधाई के पात्र हैं। बाकी लोगों को समझने और सीखने की आवश्यकता है। पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छी तरह से क्लियर करिए, सीखिए। आपको इस तरह का प्रश्न और यह प्रश्न भी क्लियर हो जाना जरूरी है। नीचे वीडियो में आप वीडियो का जब वीडियो में फाइनली आप कमेंट करके हमें बताइए कि यहाँ पर आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया था। आप व्यक्ति टू व्यक्ति हम समझ नहीं पाए किसने क्या उत्तर दिया था, लेकिन कंफर्म था कि 35% लोगों ने ही सही उत्तर दिया था, बाकी 65% लोगों ने गलत दिया था। ईमानदारी से अपनी बातें बताया करिए, अपने कमेंट से हमें सूचित जरूर किया करिए, हम भी उसी हिसाब से समझा करेंगे, समझ कर आगे आपके लिए प्लान किया करेंगे। और भी अगर जरूरत पड़ी तो हमें प्रश्न लेने की, तो मैं और भी प्रश्न इस तरह के लूंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह की एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पढ़ते तो डेली आप हैं, उसको अप्लाई करना उसको सही तरह से अपने आप को उसके माध्यम से जज करना, सीखना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप प्रतिदिन के पोल में पार्टिसिपेट करिए, वेरिफिकेशंस भी देखिए, अपने सुझाव और फीडबैक भी दीजिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। इस तरह से आप प्रतिदिन के इन्वॉल्वमेंट में हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।